देखिए 2.2 क्या कह रहा है द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। ए ऑब्लिक बी गिव्स क्लोजर टू द स्कूल दैट बी ऑब्लिक ए, अभी ऑब्लिक का मतलब बता रहे हैं, ए ऑब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए, ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी अपॉन ए, ए एंड बी reach home at the same or different time, A and B overtakes B and A on the road once or twice। वो बात की बात है, जरा समझिएगा। पहले तो कह रहे कि A और B दो लोग हैं और ये टाइम पोजिशन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और वो स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। स्कूल कहाँ पर है? O पॉइंट पे है, ठीक है, और कहते हैं A का जो होम है वो P पॉइंट पे है और B का होम है वो Q पॉइंट पे, और ये दोनों का रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। तो कई रैम पी पॉइंट मतलब ये इस लेंथ पे है, ठीक है, ये मतलब कहना चाहते हैं। तो कहते हैं जो लिखा है ना ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू बी ऑब्लिक ए, मतलब ये कहना चाहते हैं ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू बी ऑब्लिक ए, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि ए लिव्स क्लोजर टू बी या बी लिव्स क्लोजर टू ए, ऐसा बोला, ठीक है। तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, ए बी के सापेक्ष ज्यादा नजदीक है या बी ए के सापेक्ष। अब बताइए ए और बी दोनों में स्कूल के नजदीक कौन है? ए का घर ये है, बी का घर ये है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ओ से पी की दूरी कम है, इसका मतलब ए इज वेरी क्लोजर टू बी, यानी ए इज हैविंग क्लोजर टू बी, या लिव्स हैविंग नहीं, A lives closer to B, closer to B। समझ आ गई बात, पहला पार्ट समझ में आ गया। इसके बाद देखो ग्राफ जो आपका है वो NCERT बना हुआ है ना, कुछ बुक्स में ग्राफ को बड़ा ही रफली बना देते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला जो टिप और ये वाला टिप बहुत ही अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता, ये ध्यान रखिए, ये देखना पड़ेगा। फिर कहते हैं A starts from school earlier than B या B starts from school earlier than A, यानी ए ने पहले स्टार्ट किया, बी ने पहले स्टार्ट किया। देखो स्कूल कहां पर है? ओ पे। यहां पर टाइम क्या है? जीरो। यहां पर टाइम जीरो है, यहां पर टाइम कुछ होगा ना, 1 2 3 4 सेकंड कुछ होगा ना, यानी ए ने यहां से स्टार्ट करना शुरू किया, यानी इस टाइम पे, टाइम क्या है? जीरो पे, और बी ने कुछ सेकंड बाद स्टार्ट किया, तो इसका मतलब पहले किसने स्टार्ट किया? ए ने। तो इसका पार्ट कौन सा सही होगा? ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, यानी ए ने पहले स्टार्ट किया। दूसरा पार्ट समझ में आ गया। तीसरा कह रहा है ए वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए। देखिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ द बॉडी निकालने का मेथड क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम निकालोगे, तुमको डिस्टेंस मालूम है, यहाँ पर टाइम मालूम है 5-6 सेकंड नहीं मालूम है ना, तो फिर क्या तरीका होता है? स्लोप निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ए का स्लोप थीटा ए है और बी का स्लोप थीटा बी है, तो आपके डायग्राम के हिसाब से थीटा ए बड़ा है कि थीटा बी बड़ा है? थीटा बी जो है ना वो थीटा ए से बड़ा है। अगर tan लगा दें तो tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। आपको एक्सटी ग्राफ में बताया गया है कि जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी देती है, यानी बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा होगी। तो आपका इसका कौन सा पार्ट सही है? B walks faster than A। फिर कहते हैं A and B reaches home at the same time or different time। जरा देखो ध्यान से, A घर पहुंचा तो ये टाइम था, दिख रहा T1 टाइम था, और B घर पहुंचा तो ये टाइम था, T2 टाइम था। सेम टाइम पे पहुंचा है, कौन पहले पहुंचा है? B। B पहले घर पहुंचा, B दूर रहता था, बाद में चला, लेकिन स्पीड ज्यादा थी ना, तो इसका मतलब पहले कौन पहुंचा है? यानी डिफरेंट टाइम पे पहुंचा है, सेम टाइम पे दोनों नहीं पहुंचे हैं, पहले कौन पहुंचा है? बी। ये पूछा नहीं गया हमसे, ये कहा सेम टाइम या डिफरेंट टाइम, लेकिन मालूम होना चाहिए। फिर कहते हैं ए ओवरटेक्स बी या बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक किया, यहाँ पे ओवरटेक किया है ना, एक बार है दो बार? एक बार किया है, तो ये एक बार इसको ओवरटेक कर रहा है। डायग्राम समझ में आ गया? तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, कुछ बुक्स में ग्राफ बड़ा हौसफौस बना देते हैं, मान ये वाला ग्राफ बहुत हल्का सा ऐसे बनाए और बहुत इसके नजदीक दिखा देते हैं, तो ये टाइम गड़बड़ कर देता है, डिस्टेंस गड़बड़ कर देता है। ठीक है, नोट करिए इसको।